stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been so long. I'm only waiting. दोस्तों अगर गाड़ी दोनों गाड़ियों को फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से देखने में कुछ इस टाइप से लग रही है, और कंपनी ने दोनों गाड़ियों में हैलोजन लाइट को यूज़ किया है। देखिए ये है आपकी मेट्रो और ये है रेट्रो, और भैया से और भी पता करेंगे। भैया मुझे सबसे पहले ये बताइए दोनों गाड़ियों का टैंक कैपेसिटी कितनी है? दोनों की टैंक कैपेसिटी सर 13.5 लीटर है दोनों की, यानी कि मेट्रो की भी और रेट्रो की दोनों की। अच्छा 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 अच्छा, इंडिकेटर दोनों में का हैलोजन? दोनों में सर इंडिकेटर हैलोजन है और थोड़ा डिजाइन का अंतर रहेगा। अच्छा डिज़ाइन देखिए दोस्तों मैं आपको इंडिकेटर दिखा दूं दोनों के, आप ये देखिए ये आपका मेट्रो का इंडिकेटर है और में इसका स्क्वायर शेप में, हाँ इसका स्क्वायर शेप में है, ये रेट्रो का देखिए रेट्रो मॉडल। दूर से देखने में कुछ इस तरह से लग रही हैं दोनों गाड़ियाँ, आप देख सकते हैं दोनों गाड़ियों का लुक। फ्रेंड्स अब आ जाते हैं डिस्क ब्रेक की तरफ, आप देख पा रहे हैं दोनों का जो डिस्क ब्रेक का जो साइज़ है वो 380 mm का है और विद ABS है। देखिए यह आपका है रेट्रो का और यह है मेट्रो का, देखिए ये दूर से देखने में दोनों का ऐसे लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स मैं बता दूं जो मेट्रो में डबल डिस्क आता है, देखिए मैं दिखा दूं पीछे ये डबल डिस्क है, और रेट्रो में कोई डिस्क ब्रेक नहीं आता, ड्रम ब्रेक है। देखिए भैया मुझे ये बताइए दोनों के हैंडल में क्या क्या फ़र्क है? दोनों में हैंडल में अंतर है, इसकी ग्रैपिंग जो है हैंडल की ग्रैपिंग जो है ये अलग है, इसकी डिफरेंट मिलेगी आपको इसका अलग। हाँ ये मेट्रो वाले की थोड़ी अलग है ग्रिपिंग, और बाकी हैंडल साइज दोनों का सेम है। डिजाइन जो देखोगे हाँ हाँ फिल्टर ये अलग डिजाइन की मिलेगी, वो अलग डिजाइन की। हाँ ये हाँ देखिए ऑयल फिल्टर वाला ये अलग डिजाइन का फर्क है दोस्तों, देखिए इसके क्लच ये काफी स्मूथ है। अच्छा इसका स्मूथ है, ये रेट्रो का है, अच्छा मेट्रो का भी थोड़ा काफी स्मूथ है। और एक बटन की बात कर लेते हैं यहाँ पर जो रेट्रो स्टाइल में सोच रहेंगे सर, इसका न्यू स्टाइल थोड़ा न्यू स्टाइल में है मेट्रो का। देखिए दोस्तों स्विचेस के बारे में देख लेते हैं, देखिए ये है आपका रेट्रो का स्विच स्टाइल, ये आपका रेट्रो स्टाइल, ये देखिए ये पासिंग का है, ये हाई बीम लो बीम का है, ये इंडिकेटर का है दोस्तों, और ये हॉर्न है, देखिए ये हॉर्न है दोस्तों। और अब मेट्रो में देखिए स्विच का स्टाइल कैसा आ रहा है, ये थोड़ा चेंज हो गया है, देखिए ये इंडिकेटर का भी हॉर्न का भी चेंज हो गया है, और यहाँ पर पावर स्टॉप और जो आपका सेल्फ स्टार्ट है वो भी चेंज हो गया है। ये देखिए दोस्तों एक डिफरेंस और बता दूं, जो रेट्रो है इसके अंदर पार्किंग स्विच नहीं है कोई भी, और इसमें पार्किंग स्विच है, चारों इंडिकेटर एक साथ जलेंगे, इसको ऑन कर दिया तो फ्रेंड्स रेट्रो की मैं मीटर की बात करूं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस है आपका, यहां पर इंडिकेटर का आपको इंडिकेशन दिख रहा है, बैटरी लो का दिख रहा है, और यहाँ पर ट्रिप वन और फ्यूल का दिख रहा है, और 160 ये आपका स्पीडोमीटर दिख रहा है, ये एनालॉग प्लस डिजिटल है दोनों। अब मैं दिखा देता हूँ मेट्रो का मीटर का, ये देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस है, इसमें आपका एनालॉग भी है, आपका स्पीड जो एनालॉग में आएगी, और ये डिजिटल भी है। देखिए इसमें आपका फ्यूल का आया है, और आपका टाइम भी आएगा, गियर भी आएगा इसके अंदर कि कितना गियर है, और सर्विस का रिमाइंडर भी आएगा, और ABS टेक्नोलॉजी का भी बीम जल रहा है इसमें, बैटरी का भी जल रहा है, न्यूट्रल का और इंडिकेटर का भी इसमें जल रहा है। देखिए कुछ इस टाइप से इंटरफेसेस का आप देख सकते हैं दोस्तों। दोनों के इंजन की बात करें, यह आपका रेट्रो है और ये मेट्रो है, दोनों ने दोनों में जो कंपनी ने इंजन दिया है वो 350 cc का दिया है, और उसका 20.2 BHP की पावर दी है, और टॉर्क की बात करें तो 27 Nm का टॉर्क दिया है, और जो माइलेज भी ये गाड़ी देगी, माइलेज की बात करूं तो 36 का ये माइलेज देने वाली है, और टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो इसमें 13 लीटर इसमें कुल मिलाकर पेट्रोल आने वाला है, और अगर गाड़ी में आपके रिजर्व लग जाता है तो आपका 4.5 लीटर यानी कि 4.5 लीटर इसमें तेल बच जाएगा। और गियर शिफ्टिंग की बात करूं तो इसमें 5 स्पीड गियर हैं, एक आपका नीचे पड़ेगा और 4 ऊपर पड़ेंगे, देखिए इसमें भी एक नीचे और 4 ऊपर पड़ेंगे। देखिए दोस्तों मैं इस गाड़ी की मेट्रो की साउंड सुनाऊं तो देखिए आप, मैं सुनवाऊंगा आपको कैसी आ रही है, बहुत दमदार बहुत यूनिक साउंड आ रही है मेट्रो की। अब रेट्रो की सुनते हैं कैसी आती है, चलाइए भैया रेट्रो की साउंड सुनवाते हैं, मैं इसके पीछे साइलेंसर की तरफ जाता हूँ। ये रही रेट्रो की साउंड, फ्रेंड दोनों गाड़ियों के टायर की बात करूं तो रेट्रो में स्पोक्स दिए हैं और इसमें अलॉय व्हील दिए हैं,
और जो आपका व्हील साइज है वो 17 इंच का 17 इंच का है और टायर साइज जो है वो 120/80 का है। हाँ। देखिए और दोनों का मैं पीछे से भी दिखा देता हूँ किस तरह का लग रहा है। ये स्पोक्स दे रखे हैं रेट्रो में और इसमें अलॉय व्हील है। देखिए अगर दोस्तों रेयर से अगर पीछे से टायर देखें गाड़ी का तो मेट्रो का टायर साइज 140 mm का और उसका 120 mm का, उसका थोड़ा मोटा है पीछे से देखने में। देखिए ग्रिपिंग अच्छी है और ग्रिपिंग भी दोनों की बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। फ्रेंड्स अगर दोनों गाड़ी का सस्पेंशन देखें तो आगे का जो फ्रंट सस्पेंशन है वो है टेलीस्कोपिक 41 mm फॉक्स में 130 mm ट्रेवल। देखिए ये आप सामने से देखने में सस्पेंशन कुछ इस तरह से लग रहे हैं, कवर्ड है ये रबर की उससे। फ्रेंड्स अगर रेयर सस्पेंशन की बात करें तो मैं दिखा दूँ दूर कैसे लगते हैं रेयर सस्पेंशन इसके। ये देखिए और जो रेयर सस्पेंशन है वो ट्विन ट्यूब एमुलेशन शॉक एब्जॉर्बर हैं विद 6 स्टेप एडजस्टेबल प्री लोड है। देखिए हाँ 6 टाइम इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं। ये देखिए पीछे से देखने में कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिख रहा है, इसका लुक दिख रहा है। देखिए ये और इसमें हैलोजन लाइट है बैक लाइट और ये इंडिकेटर इसको थोड़ा सा चेंज है और इसमें आपकी LED बैक लाइट है। देखिए देखिए मैंने जलवा कर दिखा दिया, देखिए किस टाइप से लग रही है ये LED वाली और ये हैलोजन वाली। ये हेट्रो है, ये मेट्रो है, रॉयल एनफील्ड हंटर हेट्रो। ये देखिए जल रही है। फ्रेंड्स अगर दोनों गाड़ियों का ओवरऑल लेंथ देखें तो 2055 mm की दोनों गाड़ियों की ओवरऑल लेंथ है और विड्थ जो है चौड़ाई जो है वो 800 mm की है और हाइट जो है दोस्तों वो 1055 mm की है और ग्रैंड क्लियरेंस जो है इस गाड़ी का रेट्रो का 150 mm है और इसका 153, इसका थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है मेट्रो का रेट्रो से। दोस्तों मैं भैया से कलर के बारे में पूछूंगा, कौन कौन से कलर्स गाड़ियों में आते हैं, इन गाड़ियों में आते हैं? सर इन दोनों वेरिएंट में 8 कलर्स आते हैं दोनों में। रेट्रो में 2 कलर्स है, फैक्ट्री सिल्वर एंड फैक्ट्री ब्लैक। अच्छा, और मेट्रो में? मेट्रो में 6 कलर आते हैं, एक आता है डेपर वाइट, डेपर एश एंड रेबल रेड, रेबल ब्लैक और रेबल ग्रे, ये कलर आते हैं। आपको टोटल 8 कलर मिलेंगे इसमें। ओके ओके ओके। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी रॉयल एनफील्ड की गाड़ी चाहिए तो अगर और फाइनेंस पे चाहिए तो मैं भैया से आपको आपकी मुलाकात कराता हूँ। भैया आपका नाम क्या है? हिमांशु शर्मा सर, चोलामंडलम। किस चीज़ से? मैं चोलामंडलम से सर। अच्छा अच्छा। अगर मुझे मेट्रो खरीदनी है रॉयल एनफील्ड की हंटर मेट्रो तो कितनी की गाड़ी वो पड़ेगी? अपना मेट्रो रहेगा सर आपका 2,87,000 रुपये का रहेगा। अच्छा अच्छा ठीक है। उसमें डेपर आता है एक, वो रहेगा अपना 2,03,000 रुपये का। उसमें डाउन पेमेंट कितना लगेगा इनमें? डाउन पेमेंट रहेगा सर अपना रेट्रो पर रहेगा अपना 21,000 रुपये ठीक है और मेट्रो पर रहेगा अपना 42,000 रुपये। तो दोस्तों अगर किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया का नंबर दे दूंगा, तो वहाँ पर देखकर आप इनको कॉल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कंपैरिजन रॉयल एनफील्ड रेट्रो 350 का और मेट्रो 350 का, दोनों का कंपैरिजन आपको कैसा लगा? दोस्तों अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर किसी तरह की कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया का नंबर दे दूंगा। अगर आपको गाड़ी परचेज करनी है यानी कि ख़रीदनी है तो एड्रेस भी दे दूंगा, तो यहाँ पर आके चेकआउट कर सकते हैं, गाड़ी के टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।